आज हम बात करेंगे स्पीकर कैसे वर्क करता है और कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है और क्या इसमें मैकेनिज्म रहता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर हम स्पीकर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें और स्पीकर को समझे, उसका वर्क कैसा रहता है और कैसा इसका कामकाज रहता है। अगर हम स्पीकर के वर्किंग के बारे में बात करें तो जो स्पीकर रहता है उसमें माइनस एंड प्लस टर्मिनल दो रहते हैं। वो एम्पलीफायर से, मतलब जो एम्पलीफायर रहता है उससे कनेक्टेड रहता है, और जो एम्पलीफायर रहता है वो स्पीकर को सिग्नल देता है। मतलब उसमें जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो एम्पलीफायर डिसाइड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। आप देख सकते हो इसमें दो तार जुड़े हुए हैं एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी देता है कि कौन सा स्पीकर, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सा साउंड उसको निकालना है वो एम्पलीफायर डिसाइड करता है, और यही एम्पलीफायर संकेत देता है। अभी हम स्पीकर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। स्पीकर में एक तो जो पार्ट लगे रहते हैं वो रहता है कोन, मैग्नेट और स्प्रिंग, ये तीन चीज़ें लगी रहती है। इसमें यही तीन चीज़ मेनली वर्क करती है और इसका वही मेन वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। जब फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है तो स्पीकर आगे की तरफ, मतलब मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड बना के अपनी तरफ खींचता है। अभी हम समझेंगे उसका वर्क कैसे रहता है। ये देख सकते हो आप, जब वो स्पीकर को या कोन को मैग्नेटिक फील्ड मिलती है या मतलब उसको फ्रीक्वेंसी मिलती है तो कैसे इसमें मूव होता है, कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। इससे आगे मूव होने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और अपना स्पीकर चल पाता है। तो आप देख सकते हो इसमें दो प्रकार के मैग्नेट लगे रहते हुए, एक परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट जब वहाँ से फ्रीक्वेंसी मिलता है उस तरह उसकी मदद से ऑपरेट होता है और उसी तरह उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। इसमें आगे पीछे मूव होने के कारण उसमें साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और उसकी वजह से अपने को सुन पाता है, क्योंकि ये बहुत ही कार्यशील यह है स्पीकर है, और इसके वजह से हम सुन पाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अपने को सुनने में पॉसिबल होता है। अगर आप देख सकते हो स्पीकर का वर्किंग इस तरह रहता है, और स्पीकर और जब स्पीकर को एम्पलीफायर से सिग्नल मिलता है माइनस और प्लस की मदद से, तभी अपने को समझ आता है, उसको समझ आता है कि क्या बजना है, वॉइस प्रोड्यूस करना है। अभी हम समझेंगे स्पीकर के कैसे वर्क होता है। इसमें साउथ और नॉर्थ पोल रहता है, दो प्रकार के पोल रहते हैं, और एक मेक की तरफ, मतलब अपोजिट साइड में ये धकेलते हैं, तब अपनी वॉइस प्रोड्यूस होती है। देख सकते हो कोन में, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, और वाइंडिंग, जो इसमें वाइंडिंग रहता है कॉपर तार रहता है, वो कैसे इसमें वर्क रहता है ये देख सकते हो। जब मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी जाती है उसकी वजह से वर्क होता है, इसमें इसी तरह वर्किंग होता है। ये देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट साइड, जब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी जाती है तो वो अपोजिट साइड वर्क करता है, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी वापस वैसी करनी रहती है तो उसको उसके अपोजिट साइड धकेला जाता है। इसी तरह अपना स्पीकर वर्क करता है, और स्पीकर का वर्किंग प्रिंसिपल इसी तरह चलता है। और आगे हम समझेंगे कि स्पीकर कैसे काम करता है। जो अपना स्पीकर रहता है इसमें मेनली तो जो स्पीकर में जैसे ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बाहर की तरफ धकेल के, वो जो अपना कोन रहता है वो वापस अंदर की तरफ धकेल के उसमें वॉइस प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हो अभी कैसा इसका वॉइस प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आप देखेंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है वैसे ही जो साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ धकेल के उसको वापस इसी दिशा में, मतलब उसी स्थिति में आके उसको रिटर्न में देखा जाता है, और इसी तरह अपनी स्पीकर की वर्किंग प्रिंसिपल होती है, और इसी तरह अपना मैग्नेट काम करता है और स्पीकर काम करता है।